घर श्याम से मिलना है, एक बात समझ लेना। बोलो क्या? घर श्याम, एक बात समझ ले। क्या समझ लेना? हारे का साथी है सदा हार के तू रहना। बोलिए बोलिए। हारे का साथी है सदा हार के तू रहना। अगर बाबा ने किसी कंपनी का प्रेसिडेंट भी बना दिया ना, तो दुनिया को यही कहना कि हम तो नौकर हैं, फिर देखना बाबा क्या करता है। पूरे हाथ उठाकर, पूरे पूरे, और जोरदार तालियां बजाकर बोलना क्या? घर शाम से मिलता है, एक बात समझ लेना। घर शाम से मिलना है, एक बात समझ लेना। हारे का साथी है सदा हार के तू रहना। हारे के सहारे की बजाइए तालियां। कौन कौन हारा था मैं बताता हूं। नरसी जब हारा था, सांवरिया आया था, ए जियो। नरसी जब हारा था, सांवरिया आया था, धर भेष सेठिए का क्या माल लुटाया था। धर भेष सेठिए का क्या माल लुटाया था। नरसी जी चले गाड़ी लेकर भात भरने के लिए, तालियां बजाना। टूटी गाड़ी, बूढ़े बैल और साथ में 10-5 मोड़े साधु तैयार हो गए। हम भी चलेंगे, चलो भैया। कन्हैया किसना खाती का रूप बनाकर आए। कहा नरसी जी कहां जा रहे हो? कहा अंजार नगर जा रहे हैं बेटी का भात भरने के लिए। कहा हमें भी गाड़ी में बैठा लो, हमें भी उसी गांव जाना है। नरसी जी ने कहा भाई गाड़ी टूटी है, बूढ़े बैल है और 10-5 संत बैठे हैं, हम ही पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे पता नहीं, तुम्हें कहां बैठाएं। तालियां बजाना पीछे वाले। किसना खाती ने कहा कि नरसी जी मैं जात का खाती हूं, तुम्हारी गाड़ी ठीक कर दूंगा। अंधे को क्या चाहिए दो आंखें? नरसी जी ने कहा भाई तब तो तुम काम के आदमी हो, चलो तुम पहले बैठो। कन्हैया ने बूढ़े बैलों के सिर पर हाथ फिराया, बैल टनाटन जवान हो गए। गाड़ी के चक्के को हाथ लगाया, गाड़ी नहीं हो गई, मर्सिडीज बन गई। सरपट दौड़ रही है गाड़ी, तालियां बजाकर। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। बोलो। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने, 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 तू जाने तेरो काम जाने। तेरे भरोसे मेरी से मेरी गाड़ी, तो जाने तेरो काम जाने। और गाड़ी चल रही है। कन्हैया ने कहा नरसी जी इतना लंबा सफर कैसे कटेगा? तालियां बजाते रहना। इतना लंबा सफर कैसे कटेगा? थोड़ा भजन सजन हो जाए। नरसी जी ने एक तारा उठाया और नरसी जी ने एक तारा उठाया और एक तारा उठाकर भजन गाने लगे। हाथ उठा लेना, नरसी जी के साथ भजन गाना है तो हाथ उठा लेना। और हाथ बार बार क्यों उठवाए? ये भजन उठाकर हाथ गाते समय न जाने कब ठाकुर का ध्यान लग जाए। और जब ऐसा
भी सुनाऊंगा तालियां बजाकर। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज भज नारायण 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 भज भज नारायण नारायण। नरसिंह जी अपने ध्यान में एक तारा बजाकर भगवान का भजन कर रहे हैं। साधु संत हाथ उठाकर तालियां बजा रहे हैं, भजन कर रहे हैं। और भगवान क्या कर रहे हैं पता है? भगवान अपने भक्त के चरण दबा रहे हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब बोलो, इसलिए हाथ उठवाया, इसलिए हाथ उठवाया कि न जाने 500 बार हाथ उठाओगे, अगर एक बार भी दिल से उठ गया ये पकड़ने के लिए तैयार बैठा है। नरसी जब हारा था सांवरिया आया था। बोलो, नरसी जब हारा था सांवरिया आया था। उधर भेष सेठिए का क्या माल लुटाया था। भगवान ने लक्ष्मी जी को बुलाया, कहा है लक्ष्मी मेरी बहन का हाथ है, ऐसा वैसा नहीं है, सिर्फ नानी का घर नहीं भरना है, पूरे अंजार नगर में अष्ट प्रहर 24 घंटे इतना धन बरसाना कि लोग अपने घरों में नहीं घुस पाए। और 24 घंटे लक्ष्मी बरसी, हीरा मोती पन्ना जवाहरात, घर में लोग घुस नहीं सके, इतना सोना चांदी बरसा। हाथों से तालियां बजाकर बोलना। तारों से तार मिला मन पीड़ा सुना देना। तारों से तार मिला मन पीड़ा सुना देना। हारे का साथी है सदा हार के तू रहना। हारे का साथी है सदा हार के तू रहे। कौन कौन हारा हुआ है? विष अमृत कर डाला मोहन को रिझाई थी। विष अमृत कर डाला मोहन को रिझाई थी। मीराबाई के पास क्या रुपये की कमी थी? राणा का इतना बड़ा रजवाड़ा पड़ा था, लेकिन सबको ठोकर मार दी और एक तारा लेकर गली गली में घूम गई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूजो ना। राणा ने विष का प्याला भेजा, कहा अच्छा मैं गिरधर का नाम ले रही हूं, फिर मुझे परवाह किस बात की है, मुझे और चीज की क्या दरकार है, जिंदगी मिले ना मिले उस लोक में जाऊंगी, उस लोक में मिल जाएगा ठाकुर। और हलाहल विष को पी गई, विश्वास था ना कि ठाकुर मिलेगा, तो क्या हुआ? विष अमृत कर डाला मोहन को रिझाई थी। विष अमृत कर डाला मोहन को रिझाई थी। नैनों में श्याम बसा, नैनों में श्याम बसा। विष पान किया करना। बोलो, नैनों में श्याम बसा। विष पान किया करना। हारे का साथी है
सदा हार के तू रहना। तीसरा कौन हरा बताओ बताओ कौन 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 एक मित्र सुदामा था सब कुछ ओ एक मित्र सुदामा था सर्वस्व अपना हारा ए जियो बोलिए एक मित्र सुदामा सर्वस्व अपना हारा। सुदामा जी को कोई मलाल नहीं था कि उसके पास फूटी कौड़ी नहीं है। तालियां बजाना बल्कि उसे तो फक्र था कि वो उसका यार है जो तीनों लोगों का नाथ है। ये तो पत्नी के बार बार ताना मारने के कारण उसे मजबूरन जाना पड़ा। वहां पर भी ये हिटलर का काम करती थी। लेडीजों के बारे में कहा जाता है ना कि हिटलर होती है। उस जमाने में भी थी। और जब सुदामा जी पहुंचे कन्हैया के दरबार में मित्र को देखा पागल हो गए। आप अपने मित्र को क्या कर सकते हो भाई। अपने अंदर झांक कर देखना अपना अगर मित्र कितना ही अजीज क्यों ना हो 10-5 लाख रुपए से सहायता कर दोगे लेकिन अपनी ऑफिस में अपनी गद्दी छोड़कर उसे अपनी गद्दी नहीं दोगे। ये बात पक्की है। कन्हैया ने अपना सिंहासन दे दिया। अपने सिंहासन पर बिठाया अपने आंसुओं से अपने मित्र के चरण पखारे जिनको दुनिया कंगाल कहती थी। बोलो वो कंगाल कहां हुए। जो उन्होंने पाया वो किसी ने नहीं पाया। एक मित्र सुदामा था सर्वस्व अपना हारा। और कन्हैया ने क्या किया। तीन मुट्ठी चावल काख में पोटली में बंधे थे वो भी हड़प कर फांक लिए। और जब देने की बात आई एक मुट्ठी के बदले एक लोग दे दिया दूसरी मुट्ठी के बदले दूसरा लोग दे दिया। और जो ही तीसरा लोग देने के लिए हाथ बढ़ाया रुक्मणी जी ने पकड़ लिया। महाराज ये क्या करते हो कुछ तो अपने लिए रखो वरना आपकी विदाई निश्चित है। उस मुरली मनोहर ने अपना सब कुछ बारा। उस मुरली मनोहर ने अपना सब कुछ बारा। ओ तू दीनहीन बन के चरणों में रहा करना। तू दीनहीन बन के चरणों में रहा करना। हारे का साथी है सदा हार के तू रहना। ओ हारे का साथी है सदा हार के तू रहना। देखिए जिसके एक फैक्ट्री है
अगर वो कहता कि मैंने अपनी मेहनत से फैक्ट्री बनाई है, वो मूर्ख है। मेहनत से अगर पैसा कमाया जाता तो सबसे बड़े पैसे वाले वो रेडी वाले होते, जो सुबह 5 बजे खड़े होकर रेडी ठेलते हैं और रात को 12 बजे तक रेडी ठेलते ठेलते सो जाते हैं। 6-6 महीने साल साल भर तक अपने परिवार का मुंह नहीं देखते, उससे ज्यादा मेहनत हम नहीं करते हैं। हाँ, मेहनत करने से फल जरूर मिलता है, लेकिन जो ये कहते हैं ना कि ये जो फैक्ट्री है ये बाबा ने हमें कर्ज के रूप में दे रखी है, हम लोन लेकर बाबा का, बाबा ने हमें लोन के रूप में दे रखी है, हम किस्त भर रहे हैं और गाड़ी चल रही है। जिनके भाव ऐसे होंगे ना, एक की जगह 5 फैक्ट्री कर देगा, पक्की बात है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तू दीनहीन बन के चरणों में रहा करना। बोलो, तू दीनहीन बन के चरणों में रहा करना, हारे का साथी है सदा हार के तू रहना। ओ हारे का साथी है सदा हार के तू रहना। ये हाथ उठा लो भैया, जो अपने आप को हारा हुआ मानता है वो हाथ उठा लेना, जोरदार तालियां पकड़ के बजा कर रहे मिलकर। भगवान भी हारता है, मैं बताऊं कब हारता है? तालियां बजाओ, मैं बताता घन श्याम से प्रीत लगा, देखो भक्त बचल हारे ए जियो। घन श्याम से प्रीत लगा, देखो भक्त बचल हारे। जो ठाकुर के दरबार में खड़ा होकर कहता है कि बाबा अगर मेरे से ज्यादा दरकार इस भक्त को तुम्हारी है तो पहले इसका काम बनाना, मेरा बाद में बनाना। जिसके भाव ऐसे होते हैं ना, उसके सामने में कन्हैया भी हार जाता है, बाबा भी हार जाता है। जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए इस दरबार से मांगता है ना, मेरा बाबा उसका गुलाम बनने के लिए भी तैयार रहता है। घन श्याम से प्रीत लगा, देखो भक्त बचल हारे। हारी हुई माजी को श्री श्याम जिता डाले, हारी हुई माजी को श्री श्याम जिता डाले। कहे श्याम बहादुर तू शरणों, कहे श्याम बहादुर तू दर पे दे दे धरना। कहे श्याम बहादुर तू दर पे दे दे धरना, हारे का साथी है सदा हार के तू रहना। ओ हारे का साथी है सदा हार के तू। देखिए फागुन मेले में कौन कौन खाटू जा रहा है, एक बार हाथ उठाकर बता। बस हाँ, जा रहे हो ना आप लोग? कितने परसेंट? 10-12%, 15%। कल यहां से मैं खाटू जाऊंगा और अगर बाबा के दरबार में पहुंचा, पूरे 10 दिन रहना है बाबा के दरबार में, आप सबकी हाजिरी पहले लगाऊंगा, मेरी बाद में लगाऊंगा। कौन कौन हाजिरी लगवाना चाहता है बोलो? पूरे पूरे क्या बात, ये बात। जय जय। बस एक बार जोरदार आवाज में कह देना, जोरदार आवाज में कह देना, यही तालियां बजाकर। घर श्याम से मिलना है एक बार समझ लेना। बोलो, घर श्याम से मिलना है
सदहार के तू रहना, ओ हारे का साथी है, सदहार के तू रहना।